नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बस्तर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला दंडाधिकारी और अनुज्ञापन प्राधिकारी विजय दयाराम के द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा हेतु साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से सीमित अवधि के लिए जिले की सीमा क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र लाइसेंस धारियों से जमा करवा लेने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय और आतंक का वातावरण निर्मित ना हो सके, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके, उसके मद्देनजर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं तथा इन अस्त्र शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अतः आयुध अधिनियम 1959 के तहत जिले की सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लाइसेंस धारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने आग्नेय अस्त्र शस्त्र नजदीक पुलिस स्टेशन में आगामी एक सप्ताह के भीतर जमा करें। इस दौरान आज तक 117 अस्त्र शस्त्र जमा किए गए हैं, अस्त्र शस्त्र 78 बाकी है। कुछ लाइसेंस धारक राज्य के बाहर गए हैं और कुछ बचे हैं, जिन्हें भी सख्त निर्देश दिया गया है कि तत्काल थाना में जमा करें। कोतवाली अंतर्गत कुल 232 शस्त्र लाइसेंसधारी हैं। इनको अभी अधिसूचना जारी आचार संहिता लागू होने के बाद इनको बोला गया था कि अपना जो शस्त्र एक सप्ताह के भीतर संबंधित थाना में जमा करें। इसी क्रम में अभी तक कुल 117 शस्त्र लाइसेंसधारी अपने शस्त्र थाना कोतवाली में जमा करवा चुके हैं। 78 अभी लंबित और उनसे भी संपर्क कर उनको उनकी भी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो बचे हुए हैं उनका या तो यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है या वो उनके पास परमिशन है शस्त्र रखने की। वी टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।